नमस्कार, सत्याग्रह.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं संजय दुबे। आप देख रहे हैं तीन सवाल। इसमें आज हम चर्चा करेंगे दो राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्षों के चयन पर। सामान्यतः ऐसा होता नहीं है कि दोनों पार्टियों के अध्यक्ष चुनने की ज़रूरत एक ही समय पर आ जाए। ये नौबत कैसे आई, ये किस तरह से अध्यक्षों को चुना जाएगा, इनका चुनना इतना मुश्किल क्यों है, और कौन से वे लोग हैं जिनके हाथों में जल्द ही इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की बागडोर जाने की संभावना है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर। हिमांशु, वे कौन सी तकनीकी राजनीतिक वजह हैं जिनकी वजह से एक साथ दोनों पार्टियों के अध्यक्ष चुनने की नौबत आ गई, और ये नौबत तो आई लेकिन इसको इन दोनों अध्यक्षों का चुना जाना इतना आसान नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों है कि हमारे देश में, जबकि बाहर बहुत कई पार्टियां हैं उनमें बहुत आसानी से सत्ता परिवर्तन हो जाता है पार्टी के अंदर, देश में तो होता ही है पर पार्टियों के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ इतना मुश्किल है, ऐसा क्यों है, क्या वजह है इसकी? देखिए, दोनों पार्टियाँ जो आपने कहा कि राजनीतिक और तकनीकी वजहों की बात की, तो कांग्रेस के अंदर ये वजह राजनीतिक ज़्यादा लगती है क्योंकि चुनाव हार गए हैं वो, और बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है उनका। और वो इसके बावजूद रहा है कि राहुल गांधी अक्सर अपनी सभाओं में, इंटरव्यूज में लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे थे और उन दावों के आसपास भी नहीं पहुंच पाई कांग्रेस। तो एक तरह से उनको जिम्मेदारी लेनी है और उन्होंने जिम्मेदारी ली है और खुद ही वो अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं। बीजेपी में अगर आप देखेंगे तो अमित शाह 5 साल पूरे करने जा रहे हैं बतौर अध्यक्ष, तो अब वो सरकार में चले गए हैं, अब उनकी नई भूमिका है वहाँ पे। आप देखेंगे पिछले मंत्रिमंडल के मुकाबले तो अरुण जेटली नहीं है, सुषमा स्वराज नहीं है, तो वो उस कमी को भी पूरा कर रहे हैं, तो अब सरकार में अपने लिए नई भूमिका देखते हैं। तो बीजेपी के लिहाज से ये तकनीकी ज़्यादा है। अब आपने कही कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। दोनों पार्टियां ऑफिशियली ये कह रही हैं कि हम संगठन का एक सिस्टम है, चुनाव होगा, नीचे से पदाधिकारी चुने जाएंगे, फिर वो अध्यक्ष चुनेंगे। लेकिन ये तो बहुत मतलब आदर्श स्थिति की बात हो गई। हम देखते हैं कि पार्टी के अंदर जो आंतरिक लोकतंत्र जिसको हम कहते हैं, हर पार्टी का संविधान है, लेकिन हम पीछे का देखें तो कांग्रेस के अंदर भी और बीजेपी के अंदर भी अध्यक्ष का चुनाव कभी भी उस पूरी सांगठनिक प्रक्रिया से जिसकी बात ये दोनों पार्टियां कर रही हैं उससे होता नहीं है। बीजेपी में भी टॉप के जो कुछ लोग होते हैं वो चुनते हैं, और कांग्रेस के अंदर भी गांधी परिवार का जो रहता है उसको चुना जाता है, जो विश्वास होता है लंबा डेमोक्रेसी का चढ़ा, और उसके ऊपर डेमोक्रेसी की बात की जा रही है। तो ये जो कन्फ्यूजन है बेसिकली ये दोनों पार्टियों के टॉप लीडरशिप का कन्फ्यूजन है कि अभी तक वो एक नाम तय नहीं कर पाए हैं, और उसके लिए अभी एक्सक्यूज दिया जा रहा है पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी का। मतलब आपका ये भी, मतलब आपने जो कहा उसमें एक बात ये भी है कि अगर कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता तो ये सब करना बहुत आसान हो जाता। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि सब्जेक्टिव है, पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथ में है, उन्हें देखना होगा कि नीचे संतुष्ट ना हो जाए या दूसरे नेता नाराज ना हो जाए, तो वो सब खींचतान चल रही है और वो जगलरी चल रही है शायद। बिल्कुल। कांग्रेस के अंदर भी ये देखना होगा कि कोई ऐसा आदमी ना बन जाए जिसका कि अपना एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा आधार हो, वो गांधी परिवार से बड़ा खुद में ही अपने आप में एक बड़ी मतलब इमेज उसकी हो जाए, और कल के गए फिर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी लीड भूमिका में आना चाहें तो वो प्रॉब्लम हो, तो वो भी उनको देखना होगा। और बीजेपी ना, बीजेपी में प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी में अभी जो बीजेपी है इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी है ये, तो उसमें भी ध्यान ये रखना होगा, इसी वजह से शायद देर भी हो रही है, कि कोई ऐसा आदमी ना बन जाए जो कि एक पैरेलल पावर सेंटर बन जाए। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं और आप एक पावर सेंटर होते हैं, सरकार में आपका दखल होता है, संगठन आपके हाथ में होता है, तो बीजेपी में भी ये देखना होगा कि कौन सा आदमी होगा जो काम अमित शाह जी मोदी जी के लिए करते रहे जी, वही मोदी जी और अमित शाह के लिए कौन कर कौन सकता है उसका? बिल्कुल, इसकी जद्दोजहद है, एग्जाम हो रहा है, कौन ज्यादा विश्वस्त है, तो इसके लिए अभी तलाश जारी है उनकी। हिमांशु, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो जो प्रक्रिया चलेगी अध्यक्ष चुनने की, उसमें क्या होगा आगे, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अध्यक्ष बनने की रेस में हैं, और उनमें से भी कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके अध्यक्ष बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है? देखिए, पार्टी ऑफिशियली ये कह रही है कि हमारे संगठन के चुनाव होंगे फिर वो अध्यक्ष चुनेंगे, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी पार्टी में अध्यक्ष चुने नहीं जाते हैं, चुनाव नहीं होता, उनका मनोनयन होता है, मनोनीत होते हैं, चयन किया जाता है। तो कांग्रेस के अंदर भी यही प्रक्रिया आगे चलनी है और वो खींचतान चल रही है। उसमें आप कुछ नाम देखेंगे जो कि उभर के आ रहे हैं, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम आ रहा है, पार्टी के जो संगठन महासचिव हैं KC वेणुगोपाल का नाम आ रहा है,
फिर सुशील कुमार सिंधे का नाम आ रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की मांग भी कुछ लोग कर रहे हैं, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद कहा है कि कोई यंग लीडर आना चाहिए सामने और वो लीड करे, उनको काम करने में दिक्कत नहीं है। एक नाम हैरानी वाला ये भी है, हैरान करने वाला, शरद पवार का नाम है। शरद पवार के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसका संभवतः मर्जर हो कांग्रेस में, उसकी बातचीत चल रही है। हालांकि शरद पवार मना करते हैं खुद की ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है, लेकिन राजनीतिक असीमित संभावनाओं का है तो वो हो भी सकता है। और शरद पवार काफी सीनियर हैं, वो साल दो साल के लिए रहेंगे। पार्टी भी इस समय संकट में है और महाराष्ट्र में हमेशा ही दोनों पार्टियां मिलकर हमेशा रही हैं, वो चाहे कभी भी राज्य सरकार चलाने की बात हो। शरद पवार खुद मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे, केंद्र में भी वो सपोर्ट करते रहे जी, विचारधारा के स्तर पे भी अब एक ही है दोनों। और तारिक अनवर जो उनके साथ पार्टी छोड़ के गए थे वो खुद कांग्रेस में आ गए हैं, तो शरद पवार के नाम पे सहमति बन सकती है अगर दोनों का मर्जर हो जाए तो। एक संभावना शरद पवार की बिल्कुल, और उसमें गांधी परिवार को सूट इसलिए भी ये करेगा कि अगर दो साल तीन साल बाद कोई स्थिति आती है ऐसी कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी फिर से अध्यक्ष पद पे वापसी करना चाहें तो वो थोड़ा सा आसान होगा उनके लिए, एक सीनियर लीडर को बनाते हैं। अच्छा, राहुल गांधी की जो जनरेशन के लोग हैं उनमें से भी कोई किसी का नाम है इसमें? राहुल गांधी की जनरेशन में अगर हम देखते हैं उनके साथ तो सचिन पायलट का नाम आता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आता है, सिंधिया खुद महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके हैं। सचिन पायलट के लिए कुछ लोग बहुत उत्साहित हैं, लेकिन इसकी संभावना काफ़ी कम है कि इन दोनों में से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। कुछ लोग शशि थरूर का नाम चलाते हैं, लेकिन मुश्किल होगा ऐसे लोगों को बनाना। वो उन्हीं लोगों को फिर बनाना चाहेंगे जिसकी एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठन पर थोड़ी पकड़ हो, या फिर जिस जो गांधी परिवार के प्रति जिसकी अटूट निष्ठा हो, तो उस पैरामीटर पे देखना होगा। उसमें आप देखेंगे तो KC वेणुगोपाल का नाम एक आता है, आसानी से जरूरत पड़ने पे हटाया जा बिल्कुल सके। वो थोड़े यंग भी हैं, केरल से हैं, केरल में काफी सीटें आई हैं कांग्रेस। अच्छा, इनमें जिन लोगों के आपने नाम लिए उनमें से सबसे ज्यादा संभावना उनमें मुझे लगता है कि अशोक गहलोत और KC वेणुगोपाल ये दो प्रमुख दावेदार हैं। क्यों? अशोक गहलोत को जहां का भी प्रभार दिया गया है वहां उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, पहली चीज। दूसरी चीज कि जहां भी वो गए हैं वहाँ पे कार्यकर्ताओं से उन्होंने संवाद बनाया है, वो कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं और संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है, हिंदी पट्टी से हैं, तो गांधी परिवार के भी बहुत निकट विश्वस्त हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें वेणुगोपाल उनके पक्ष में भी यही सारी बातें उनके पक्ष में ये सारी बातें जाती है। प्लस केरल का एक है, और अभी भी आपको याद रखना होगा कि BJP ने दक्षिण भारत में अपनी जड़ नहीं जमाई है, तो अगर एक कैलकुलेशन ये भी हो सकता है कि हम दक्षिण भारत का लाएं तो दक्षिण भारत में एक तरीके से BJP को फैलने से हम रोक सकते हैं, तो ये भी एक सोच हो सकती है कि हम दक्षिण के किसी आदमी को और खुद को फैला सकते हैं, खुद को फैला सकते हैं, कांग्रेस अपनी स्थिति वहां और कंसोलिडेट कर सकती है जी। हिमांशु, अब भाजपा के बारे में बात करते हैं। अभी JP नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है, ये भी बड़ा अजीब सा है थोड़ा सा, तो क्या उनके ही पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने की भी संभावना है या किसी और का नाम आ सकता है, कोई और बन सकता है? और कोई और बन सकता है तो उनमें से किसके बनने की संभावना ज्यादा है, किन किन का नाम, किस किस का नाम रेस में है? कार्यकारी अध्यक्ष जब बनाया गया तो वो हैरान करने वाला था, क्योंकि BJP में आमतौर पर ये परिपाटी नहीं रही है। आप अगर याद करें तो 2014 तो राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और जब वो सरकार में चले गए थे बतौर गृह मंत्री तो नया अध्यक्ष पूर्णकालिक अध्यक्ष ही अमित शाह को बनाया गया था। बीच में ही बने थे। और उस समय ये कोई बात नहीं आई थी कि संगठन का चुनाव करना है और फिर ये प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया होगी, कोई तकनीकी वजह नहीं बताई गई थी। अब कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे तकनीकी वजह गिनाई जा रही है, लेकिन ये क्लियर है कि ऐसा ही राजनाथ सिंह के समय भी हुआ था। बिल्कुल, कई बार ऐसा हुआ है कि कार्यकाल अध्यक्ष पूरा नहीं कर पाए हैं अपना और बीच में जो अध्यक्ष बने हैं वो पूर्ण अध्यक्ष बने हैं फुल फ्लेज्ड बचे हुए कार्यकाल के लिए। फिर जब वो कार्यकाल पूरा होता है तो फिर नए सिरे से उनको अध्यक्ष फिर से बनाया जाता है। तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाना ये बताता है कि JP नड्डा एकदम से श्योर नहीं है कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। स्थिति स्थायी नहीं है और अभी आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक नया अध्यक्ष भी देखने के लिए मिले। उसमें पार्टी के लोगों से अगर आप बात करें तो दो तीन नाम आते हैं, एक तो JP नड्डा का ही नाम है, एक बड़ा तबका ये मानता है कि JP नड्डा कंटिन्यू करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन दूसरा नाम है भूपेंद्र यादव का नाम है, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं अभी और सबसे प्रमुख जनरल सेक्रेटरीज में से एक है, अमित शाह के काफी विश्वस्त हैं। तीसरा नाम ओम प्रकाश माथुर का है, वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और गुजरात के प्रभारी रहे हैं, नरेंद्र मोदी के साथ काफी समय तक काम किया है उन्होंने। तो भूपेंद्र यादव अमित शाह के बहुत क्लोज हैं और OP माथुर
नरेंद्र मोदी के काफी क्लोज हैं। क्लोज कहना तो पता नहीं, लेकिन उनके साथ काम करने का लंबा अनुभव है उनको संगठन में। काफी समय तक जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे तो वहां पे इंचार्ज के नाते वो काम कर रहे थे, उनका एक रेपो है उस हिसाब से। और पार्टी में आप देखेंगे तो इस बार भी नाम ओपी माथुर का चला था। तो आपका कहना है कि इन तीनों में से कोई भी बन सकता है? इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी ये कहना कि जेपी नड्डा ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ये हमको लगता है कि ये थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी। लेकिन ये तीन नाम है मेनली, कि इन्हीं तीनों में से कोई होगा एक, लेकिन जेपी नड्डा ही होंगे ये अभी पक्का नहीं है। हो सकता है कोई चौथा नाम भी आ जाए, लेकिन अभी की बातचीत के हिसाब से सबसे ज्यादा संभावना है किनकी? इन्हीं तीनों में से कोई एक बनेगा। इसमें अभी से एकदम से पिन पॉइंट करना थोड़ा आसान नहीं है, लेकिन भूपेंद्र यादव के लिए अमित शाह पूरा जोर लगाए हुए हैं ऐसा पार्टी के लोग बता रहे हैं। आरएसएस की बहुत सहमति नहीं है उनके नाम पे, इसी वजह से शायद जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। जी जी जी, और उसमें अगर वैसी स्थिति आती है तो फिर ओम प्रकाश माथुर के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे, कि अगर संघ सहमत नहीं होता भूपेंद्र यादव पे और जेपी नड्डा पे भी अगर सहमति नहीं बन पाती आगे कंटिन्यू करने को लेकर, तो ओम प्रकाश माथुर सीनियर लीडर हैं, राजस्थान से हैं, काफ़ी समय तक गुजरात में भी काम किया है, तो वो एक बन सकते हैं। और इन तीनों में नामों में मतलब मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी मतलब ऐसा नाम नहीं है कि जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई पैरेलल पावर सेंटर बन सके। अगर यही राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी को आप बना देंगे अध्यक्ष, तो हो सकता है कि सरकार में तो आपका ये कहना है कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के अध्यक्ष बनने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि अगर वो जैसे ही ये दोनों में से कोई एक बनेगा तो एक पैरेलल पावर सेंटर डेवलप हो जाएगा, और जो कोई भी पार्टी पसंद नहीं करती है। धन्यवाद हिमांशु। तो ये था आज का तीन सवाल। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।